हेलो प्यारे दोस्तों कैसे हो भाई आज हम ना क्या करेंगे आपके चेक पॉइंट के लिए हमें बताया गया है कि जी आपने तैयारी करनी है क्या आपको पूछा जा सकता है कि गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द माउंटेन गोड्स एंड जिमपेज बेस्ड ऑन द पेजेस 20 टू 31 वन ऑफ़ द बुक वेयर एनिमल्स लिव रिटर्न इन अ वे दैट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टैंड फॉर ग्रेट टू स्टूडेंट्स ठीक है जी आ, अभी हम जो है ना करते हैं क्या बारी बारी दोनों चीजों को लेते हैं से माउंटेन गोड्स माउंटेन गोड्स के बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तीन चार लाइनें लिखेंगे आप इनशाला एक दो दफ़ा लिखेंगे इनको आपको याद हो जाएंगी ठीक है क्या है जी माउंटेन गोड्स आर एनिमल्स दैट लिव इन रॉकी एरियाज सच एज माउंटेन्स एंड क्लिफ्स ठीक है जी ये तो आपको पता ही है कि माउंटेन गोक्स देर लिव इन द रॉकी एरियाज सच एज माउंटेंस एंड क्लिफ्स दे आर एक्सीलेंट क्लाइम्बर्स एंड कैन जम्प अप टू ट्वेल्व फीट हाई ठीक है ये इनके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई गई है ये हमने ज़रूरी लिखनी होगी डिस्क्रिप्शन में माउंटेन गोड्स हैव स्पेसल हुवस दैट हेल्प देम टू ग्रिप ऑन टू की सरफेस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी वो उनके की हूफ्स को हमें बार बार जिक्र किया गया इन पेजेस पे कि वो उन की हूफ्स की मदद से बड़ी ईजीली स्लिप भी नहीं करती और बड़ी ग्रप भी कर लेती हैं उनको ना रॉक को इसकी मदद से दे आर हरबी वोरस विच मीन्स दे ईट प्लान्ट लाइक ग्रासिस एंड श्राब्स यानी हरबी वोरस होती हैं वो वो जो है सिर्फ जो है न प्लान्ट जो है ना ग्रास खा सकती हैं सो so, ये हमने तीन लाइनें टोटल लिखनी है, अगर आप ये याद कर लें आपका बेहतरीन हो जाएगा भाई ये वाला टेस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि माउंटेन गोड्स की डिस्क्रिप्शन लिखें अब हम आ जाते हैं इसकी चिमपेजिज के बारे में चिमपेजिज चिम्पेंजिज आर एनिमल्स दैट लिव इन दारेस्ट ऑफ अफ्रीका दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यूज टूल्स टू हेल्प दैम गैट फूड सच एस्टिक्स टू एक्सट्रैक्ट इंसेक्ट्स फ्राम बाक ठीक है चिम्पेंजिज आर ऑमनीवोरस विच मीन्स दे ईट बोथ प्लाट्स एंड एनिमल्स दे लिव इन अ लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड ट्रुप्स यही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि जी सवाल मैं आपको आके बताऊंगा ना जिसमें होगा कि जी वो जो रहते हैं जिस ग्रुप में उसको क्या कहते हैं दे लिव इन अ लार्ज ग्रुप्स कॉल्ड ट्रुप्स एंड कम्युनिकेट विद ईच एदर थ्रू अ वराइटी ऑफ साउंड एंड बॉडी लैंग्वेज यानी एक दूसरे से बात करने के लिए वो चीखें चीखें भी मारते हैं मुख्तु किस्मों की और चेहरे की और हाथों के इशारों से भी एक दूसरे को बात अपनी समझाते हैं चिमपेंजिज़ कैन ईवन रिकगनाइज दमसेल्व इन मिरर्स विच शोज़ दैट दे हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस यानी चम्पेंजिज इतने होशियार होते हैं अगर वो शीशे में देखें तो अपनी शक्ल पहचान लेते हैं इसका मतलब है कि तो वो बड़े होश्यार हैं ठीक है ना तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है ठीक है तो ये हमारा पहला हो गया ब्रीफ़ डिस्क्रप्शन